आज हम जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं ये कर रहे हैं अपने पिताजी की बरसी के ऊपर। पिछले साल 24 मार्च को हमारे पिताजी का देहांत हुआ था। हमारे पिताजी जो हैं वो समाज सेवा से काफ़ी जुड़े हुए थे। वो गरीबों को मदद करना, अस्पताल ले जाना, सलाह देना, उनकी परेशानियों को सुनना, समझना और उन्हें सही रास्ता दिखाना, ये काम करते थे। तो जब उनका देहांत हुआ तो कहीं ना कहीं हमारे मन में था कि जो पिताजी करते थे वो हम भी कुछ करने की कोशिश करें। हमने उसी टाइम से शुरू करा था इस रजिस्ट्रेशन के लिए, जो हमारी सोसाइटी है निराकार वेलफेयर सोसाइटी, जिसका एम एंड ऑब्जेक्टिव है EWS सेक्शन, लाइक इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं उनके एडमिशन, उनकी पढ़ाई, इसी के साथ साथ EWS सेक्शन के जो लोग हैं जिनको हॉस्पिटल्स में प्रॉब्लम होती हैं, उनके पास पैसा नहीं होता, उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए उनको लीगल एडवाइस देना, अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो उसका हॉस्पिटल में उसका एडमिट कराना, उसके इलाज पे उसको कोई प्रॉब्लम ना आए उसका ध्यान रखना, और उसको हर तरह की मदद सरकार से दिलवाना। बेसिकली ये दो मुद्दे हैं। इसके साथ साथ जो भी लेडीज़ हैं उनकी लीगल एडवाइस, कोई भी लेडी है उसको कोई भी प्रॉब्लम है, वो कोर्ट नहीं जा सकती, उसके पास पैसा नहीं है, उसको अवेयरनेस नहीं है कि उसके क्या राइट्स हैं या किस तरह से वो अपनी परेशानियों से निजात पा सकती है, उसके बारे में उसको सही रास्ता दिखाना। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लेडीज़ के लिए वकील फ्री में मिलते हैं, तो कई लेडीज़ को तो ये पता भी नहीं होता कि हमारे लिए वकील फ्री में मिल रहे हैं, तो इस तरह की एडवाइस देना। इसके अलावा कई मैटर ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट से ही सॉल्व हो जाते हैं। लोगों को ये बताना कि हर झगड़े का सुलझाव जो है पुलिस स्टेशन या कोर्ट ही नहीं होता, आप आपस में बात करके भी मीडिएशन के थ्रू भी कर सकते हैं। ये मेरी एसोसिएट हैं संगीता वर्मा, जो बाय प्रोफेशन एडवोकेट हैं। ये मेरे ब्रदर हैं इंद्रमोहन वर्मा, ये प्रेसिडेंट हैं इस सोसाइटी के, ये भी बाय प्रोफेशन एडवोकेट हैं। तो बेसिकली हमारे पास इस तरह के मैटर्स आते थे कि नहीं हमें कोर्ट नहीं जाना, हम परेशान हो चुके हैं कोर्ट से, तो हम लोग मीडिएशन भी करवाते हैं, लोगों का आपसी सेटलमेंट भी करवाते हैं। तो हमारा मेन एम इस सोसाइटी का यही है कि लोगों को परेशानी कम हो और उनको न्याय मिले, उनको राहत मिले, ना कि ये कि बस वो परेशान हो रहे हैं उनको थोड़ी सी सलाह दी। और ये हमारा मेन मोटिव यही है कि लोगों को सच में ये पता चले कि अगर वो किसी चीज़ से परेशान हैं तो ये नहीं है कि उनको पैसा खर्च करना है और कोर्ट ही जाना है, मीडिएशन के थ्रू किसी भी तरीके से वो अपनी समस्याओं से समाधान पा सकते हैं। तो मेन मोटिव ये है। संस्था कब शुरू हुई है, अभी तक कितने केसेस से आपको निपटा रहे हैं, कितने लोग संपर्क किया? संस्था शुरू हुए हमारे 6 महीने हो चुके हैं। हम इस क्षेत्र में कार्य आज से नहीं कर रहे हैं, पिछले 3 सालों से कर रहे हैं। अभी तक हमने कम से कम 10 से 12 बच्चे हैं जिनका EWS कैटेगरी में स्कूल में एडमिशन कराया है, और गिनती में अगर बात करें तो कम से कम 500 से 550 ऐसे केसेस हैं जो हमने मीडिएशन सेंटर में भेजे हैं, कुछ खुद से सुलझाए हैं, तो इस तरह से लोगों को कोर्ट के चक्रों से बचाया है। बाकी जो हैं डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, मेंटेनेंस हो गया, कस्टडी के केस हो गए, वो कोर्ट में हमारे पैरेलल चल रहे हैं, तो उनकी अगर संख्या में बात करें तो हमारे पास 40 से 50 केसेस ऐसे हैं। इसके लिए मेंबरशिप भी लेनी पड़ती है जो आपके पास? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, किसी को भी ये कंपल्शन नहीं है कि वो मेंबरशिप ले। हम पहले उनका काम करते हैं, अगर उनको खुद से कुछ लगता है तो वो मेंबरशिप ले सकते हैं। किस तरह से लोग बाग आपकी संस्था से जुड़ेंगे? मेनली हमारे पास जो लोग बाग आते हैं वो पब्लिसिटी माउथ पब्लिसिटी से आते हैं, जैसे किसी ने करवाया काम, वो सेटिस्फाई हो गया, उसने फिर जाके दूसरे को बताया, या हमारे जो लिंक हैं हम उनके थ्रू करते हैं, या हम अपने शिविर लगाते हैं, तो इस तरह से मेन लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। हमने इस सोसाइटी का प्रॉपर बैंक अकाउंट मेंटेन किया है, जिसमें हमारे पास जो भी पैसा आता है वो हम बाय चेक लेते हैं, हम किसी से कुछ भी कैश नहीं लेते। बाय चेक हमारे पास पेमेंट आती है, वो बैंक में डिपॉजिट होती है, और उसके बाद मंथली उसमें जो भी हमने खर्चा किया उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होकर SDM साहब के ऑफिस में जाता है। तो मेनली बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ हम इस संस्था में काम करना चाहते हैं, ताकि लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके, लोगों को पता चल सके कि हाँ हम संस्था इसीलिए नहीं चला रहे कि हमें सिर्फ दिखाना है या अपना पब्लिसिटी करने हैं, हम इस संस्था को सही मायनों में चलाना चाहते हैं कि लोगों को ये पता चले कि सिर्फ उनको पैसा नहीं खर्च करना कि हमने पैसा खर्च किया और हमें तब जाके कोर्ट में वकील हमारे पास आ रहा है, मैडम हमें एडवांस में पैसा मांगा जाता है। कई बार हमारे को ये परेशानी होती है कि हमें समझ नहीं आता कि हमें बोलना क्या है डेट पे जाके, तो हम उनको पूरा जीरो से लेके एंड तक हर स्टेप पे उनको गाइड करेंगे, हर तरीके से उनको समझाएंगे कि वो किस तरह से अपना काम कर सकते हैं। आपके साथ दिल्ली में हैं या कहीं और राज्य में भी काम कर रहे हैं? हम लोग दिल्ली NCR कवर कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने दिल्ली NCR से शुरू किया है। धीरे धीरे जैसे जैसे इस संस्था से लोग जुड़ेंगे हम इसकी ब्रांचेस बनाएंगे, जैसे कि ये हमारे कज़न हैं संजीव जैन, ये चंडीगढ़ बेस्ड हैं, तो अभी इनको बहुत अच्छा लगा,
मेरी बुआ जी के बेटे हैं, हमारे पिताजी इनके मामा जी लगते थे, तो इन्होंने मुझे बोला कि मैं भी इस तरह का काम करना चाहता हूँ।